हेलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हो आप सब आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे आज मैं फ्रेंड्स आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रिंकल टॉप फजी ब्राउनी जो कि बहुत बहुत ही अच्छी बनी है बिल्कुल फुल प्रूफ रेसिपी है एक पीस उठाकर मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि ये कितनी फजी बनी है।, है ना और इसकी जो क्रिंकल टॉप बनी है वो तो गजब की बनी है आप यहाँ पर देख नहीं पा रहे हो क्योंकि मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दी है आमंस की जब लास्ट में बेक हो जाएगी ना तब आप देखना कि इसकी क्रिंकल टॉप कितनी मस्त आई है तो चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ तो फ्रेंड्स अब मैंने एक पैन चढ़ा दी है और उस पर ऐड कर देना है एट्टी एम वाटर और फिफ्टी एम मिल्क और इस पे ऐड कर देना है वन टेबल कॉफी पाउडर अच्छे से स्टर कर ली है मैंने चलिए फ्रेंड्स अब इस मिक्सर को एक बोल में रख देते हैं और मैंने पैन को धो लिया है और उसी पैन में हमें अब ऐड कर देना है बटर इंग्रेडिएंट्स के सारे मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अब मेल्ट कर लेना है बटर को फ्रेंड्स अभी मैं अच्छी तरह से आपको दिखा रही हूँ कहीं पर भी मैं स्किप नहीं कर रही हूँ पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना है बीच बीच में हमें इसे स्टर करते रहना है इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अगर आप ये वाली ब्राउनी बनाओगे ना तो आपकी ब्राउनी में पक्का हंड्रेड परसेंट क्रिंकल टॉप आने वाली है तो फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना अभी आप देख रहे हो थोड़ी सी यहाँ पर व्हाइट व्हाइट झाग आ रही है तो इसी तरह इसे आने देना है और बीच बीच में स्टर करते रहेंगे अभी आप फॉलो करना फ्रेंड्स अच्छी तरह से ऊपर में झाक आई है इसका मतलब है बटर अच्छी तरह से पक चुकी है और अब जो मिश्रण पहले हमने बना के रखी थी ना कॉफी वाली तो उसे इसमें ऐड कर दिया है अच्छी तरह से इसे भी स्टेयर कर लेना है मैंने यहाँ पर इंडक्शन को बंद कर दी है अगर आप गैस पे कर रहे हो तो गैस को बंद कर देना और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है घर की पिसी हुई शुगर को अच्छे से स्टर करेंगे गैस को इसीलिए बंद करना है क्योंकि हमें यहाँ पर शुगर को कैरामलाइज नहीं करना है और अब मैंने यहाँ पर सिक्स इंच की टिन ली है और इसे लाइन अप कर लेंगे इको बेक पेपर के साथ और अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर चॉप करके रखी है डार्क चॉकलेट इसे यहाँ पर ऐड कर देना है और अब ऐड कर देना है कोको पाउडर अच्छे से स्टर कर लेंगे पैन अभी गर्म है तो कोको पाउडर और चॉप किए हुए चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी आपको बस बीच बीच में स्टर करते रहना है अच्छे से स्टर करके चॉकलेट को यहाँ पर मेल्ट कर लेना है चॉकलेट के बिल्कुल भी चंक नहीं होने चाहिए अभी आप देख रहे हो ये धीरे धीरे अच्छी तरह से मेल्ट हो रही है चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है चलिए अब इसे साइड पे रखते हैं ये जो मिश्रण है ना फ्रेंड्स अब ठंडी हो चुकी है और अब इसमें हमें ऐड कर देना है मैदा और पिंच सॉल्ट पर एक ही साथ सारे मैदे को मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है तो दो या तीन बैचेस में आपको इसमें ऐड कर लेना है ताकि कोई भी लम्स ना रहे चलिए अब बाकी के बचे हुए मैदे को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स हो गई है आप देख रहे हो कहीं पर भी व्हाइट मैदा दिख नहीं रही है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छी हो गई है आप देख रहे हो इसकी कंसिस्टेंसी को चलिए फ्रेंड्स अब सिक्स इंच के लाइन किए हुए टीन को मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रख दिया है और अब इस बैटर को पोर कर देना है आप देख रहे हो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह की आनी चाहिए अच्छी तरह से मैंने बैटर को प्लेस कर दिया है और अब स्पैचुला के हेल्प से इसे थोड़ी सी फ्लैट कर लेंगे Friends, मैंने ओ को वन डिग्री पर प्री हीट कर लिया है दस मिनट के लिए और ब्राउनी को बेक करना है वन डिग्री पर ध्यान देना फ्रेंड्स वन पर 25 मिनट्स के लिए और 25 मिनट्स के बाद मैंने निकाल लिया है आप देख रहे हो कितनी अच्छी क्रिंकल टॉप आई है चलिए अब मैंने इसे कूलिंग रैक के ऊपर रख दी है और इसे ठंडी होने पर इसे डिमोल्ड करना है अभी आप चेक करना फ्रेंड्स ब्राउनी अच्छी तरह से बिल्कुल आराम से निकल जाएगी चलिए मैं इसे अभी निकालती हूँ आप देख रहे हो है ना कितना मस्त बना है फ्रेंड्स ब्राउनी तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको भी इसी तरह की ब्राउनी चाहिए और ये फ्रेंड्स मार्केट से कहीं 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 अच्छी ब्राउनी बनी है आप इसे बिल्कुल ट्राई करना और फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स में आके जरूर बताना कि आपकी ब्राउनी कैसी बनी है अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हो मैं जरूर उसकी आंसर दूंगी तो अभी मैंने इसके सिक्स पीसेस कर लिए हैं और थोड़ी सी यहाँ पर मैं चॉकलेट सिरप से गार्निशिंग कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं प्लेस कर दूंगी चॉप्ड आमंड तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी आप बनाओगे तभी आप बोल पाओगे सिर्फ देखने से आपको अच्छी लगेगी पर जब आप खाओगे इसे बना के तब आप बताना फ्रेंड्स ये बहुत बहुत मस्त बनी है चलिए अब यहाँ पर मैं आमंडस को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है और इसी से मैं इसे गार्निश कर दिया है मैंने तो आई रियली होप फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है और अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस रेसिपी को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस यही ब्राउनी को घर पे ही बनाएंगे और एंजॉय कर सकते हैं मैं तो एंजॉय करूंगी फ्रेंड्स इस ब्राउनी को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से रेसिपी के साथ टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी थैंक यू